क्वेश्चन है, सपोज आपके पास ये एक ब्लॉक है, ठीक, इसे बनाओ। लेट अस सपोज ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाई, एफ एफ फोर्स लगाई, एंड ये जो फोर्स है दिस इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल, थीटा विद वर्टिकल। ये ग्राउंड है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, म्यू, फ्रिक्शन म्यू, ठीक। अब देखो, जब मैं इसे पुश करूंगा, है ना, धक्का मारूंगा, तो ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यानी कि ये ब्लॉक जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ये गिवन है। तो आपको मुझे बताना है एफ की वैल्यू कितनी मैंने अप्लाई की, ये क्वेश्चन है, और ब्लॉक का मास एम है। तो मैंने एफ अप्लाई किया होगा, तो मैंने कितनी फोर्स अप्लाई की ताकि ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव करे। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो। नहीं, मूव करेगा, मैं बोल रहा हूँ जो मूव करेगा तो करेगा, ये तो मैं दे ही रहा हूँ ना, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कुछ बिना फोर्स के कैसे? फोर्स तो लगानी पड़ेगी, कॉम्पोनेंट्स बनेंगे। तो इसमें अपने को ऐसा करना पड़ेगा, ये देखो, सबसे पहले ना एक चीज सुन लो, ये एरो है, वेक्टर है। कई लोग क्या करते हैं, कई बुक्स भी ऐसे करती हैं, कंपोनेंट यही ड्रॉ कर लेती हैं, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। मैं ऐसा कभी नहीं करता, जहां ये इसका हेड है वहां तो बिल्कुल भी नहीं करता। मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, थोड़ा सा आगे, और यहां पे मैं बना लेता हूं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। क्योंकि अब देखो ना, कॉम्पोनेंट बनाने कितने ईजी हैं, एक कॉम्पोनेंट यहां पर, एक यहां पर, तो इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है क्या आएगी, एफ कॉस थीटा, और ये क्या आएगी, एफ साइन थीटा। तो इजी बन जाते हैं, क्योंकि हम ना अपने कंपोनेंट टेल पे बनाते हैं, इसकी वेक्टर की हेड पे नहीं बनाते, हेड पे बन जाते हैं पर कंफ्यूजिंग होते हैं, टेल पे इजी हैं। तो वेक्टर को थोड़ा आगे ले जाया करो, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहाँ ऐड करेगा, ऊपर एन, और वेट कहाँ ऐड करेगा, नीचे एम जी। और क्योंकि इस बॉडी की मोशन आगे होगी तो फ्रिक्शन कहाँ ऐड करेगी, पीछे एफ। म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, अंडरस्टूड है, काइनेटिक है, कि मैं बोल रहा हूं कि बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक है, ठीक है यहां तक? पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाले, क्यों? अगर ये जमीन है, फ्रिक्शन है, क्या मैं कांस्टेंट वेलोसिटी बॉडी चला नहीं सकता? मैं चला सकता हूँ, मैं फोर्स ऐसी अप्लाई करूंगा, ठीक है ना? देखो, इसके अंदर पहले ये बताओ, इसमें नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकलेगा? नॉर्मल रिएक्शन के लिए ऊपर की फोर्स क्या है, एन, नीचे की फोर्स क्या है, एम जी एंड एफ, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। जरूरत आने पर मैं यूज करूंगा इसे, ठीक है? अब क्योंकि ये बॉडी आगे की तरफ मूव करती है, कौन सी फोर्स इसे आगे मूव करवाएगी, एफ साइन थीटा, और कौन अपोज करेगा, फ्रिक्शन, म्यू टाइम्स एन, आगे की फोर्स और पीछे की, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देख रहा हूं मैं, आगे की एरी और पीछे की एरी। अब क्योंकि अगर इसके अंदर एक्सलरेशन होती तो आगे की फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, में क्या यूज करता, मास इनटू एक्सलरेशन। अगर मेरे को क्वेश्चन में गिवन होता कि ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है, तो इक्वेशन बनती एफ साइन थीटा माइनस एफ इज एम ए, पर क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। अब यहां पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं बड़ी अजीब सी बात हो गई, मैंने कहा कैसे? वो कहते हैं क्योंकि देखो, आगे की फोर्स क्या है, एफ साइन थीटा, पीछे की फ्रिक्शन, दोनों कैंसिल होगी, बॉडी मूव कैसे कर सकती है, बॉडी मस्ट लाई एट रेस्ट, सही है ना? आगे पीछे की फोर्स तो कैंसल है, तो जब आगे और पीछे की फोर्सेस कैंसल होती हैं, उसके दो मतलब होते हैं। पहला, पहले मुझे ये बताओ, आगे और पीछे की फोर्स नेट कैंसल, तो नेट फोर्स क्या हुई, जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब एक्सेलरेशन क्या हुई, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो के दो मतलब हैं, या तो बॉडी लाइंग एट रेस्ट या मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट
तो ये मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ऐसे केस में भी आगे और पीछे की फोर्स को बैलेंस करना है, ठीक है यहाँ तक। तो इस केस में एफ इंटू साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, एफ इंटू साइन थीटा इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन की जगह एम जी प्लस एफ कॉस थीटा, या फिर एफ साइन थीटा म्यू टाइम्स एम जी म्यू टाइम्स एफ कॉस थीटा, एफ कॉमन आ गया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी, तो एफ की वैल्यू आ गई म्यू टाइम्स एम जी डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? एफ की वैल्यू आ गई। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो इसमें, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से कहा बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, बुक्स ऐसा नहीं पूछती, सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक लाइन लिखी जाएगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अ बॉडी इज जस्ट एबल टू मूव, इस क्वेश्चन में अ बॉडी इज जस्ट एबल टू मूव, ये लाइन जरूर लिख लेना। और अगर ये जस्ट एबल टू मूव है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या रहती है? जीरो। वेलोसिटी क्या मानी जाती है? कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है, एक्चुअली होता क्या है, ये बॉडी पड़ी हुई है, एक तो होता है बॉडी पे फोर्स लगाना और एक्सेलरेट करवाना, वेलोसिटी को बढ़ाना, और एक होता है ये देखो, ये मैंने फोर्स लगाई तो हिल गई, ये जस्ट एबल टू मूव, ये एक्सेलरेट नहीं की, हल्की सी हिल गई अगर तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी मानी जाती है, या एक्सेलरेशन नहीं मानी जाती। तो जब भी वर्ड लिखा होगा अ बॉडी इज जस्ट एबल टू मूव, आपने एक्सेलरेशन कभी नहीं लेनी, आपने उसकी एक्सेलरेशन क्या लेनी है? जीरो। तो आपने आगे और पीछे की फोर्स को इक्वेट कर देना है, आंसर सेम आएगा। तो नॉर्मली आपके ऑब्जेक्टिव बुक्स में जस्ट एबल टू मूव गिवन होता है, ठीक, यहां तक क्लियर है? या तो ये पूछेगा, ये डायग्राम देगा, वो कहेगा बॉडी इज जस्ट एबल टू मूव, बॉडी जस्ट एबल टू मूव एक्सेलरेशन जीरो करके पूछेगा फोर्स की वैल्यू क्या है, आप फोर्स मार्क कर देना। या फिर इसका एक्सटेंडेड क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ म्यू और थीटा का क्या रिलेशन है, तो इसका आंसर होगा जब आपने इस बॉडी को मूव करवा दिया तो एफ ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाई होगी, एफ पॉजिटिव तब होगा जब डिनोमिनेटर साइन थीटा माइनस म्यू इंटू कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तभी ऐसा हो सकता है, और ऐसा तब होगा जब साइन थीटा ग्रेटर देन म्यू इंटू कॉस थीटा होगा, साइन अपॉन कॉस क्या है? टेन, तो टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू, आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स में ये ऑप्शन भी गिवन होगा, लिख लो। वो कहेगा बॉडी इज जस्ट एबल टू मूव, तो बोलो टेन थीटा जो है लेस देन म्यू है कि ग्रेटर देन म्यू है, तो आंसर ग्रेटर देन म्यू है, तो ऐसे आंसर देना है।